इरेक्टाइल फंक्शन और एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया स्पर्मेटोजिया के लिए स्पर्म्स की कमी के लिए वाफर मकदार में पैदाइश करने के लिए जब से ये नुस्खा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा कोई इंतखाब हमने नहीं किया। हाजिर नुस्खा में जो है वो जौहर खुशिया यानी कि कपूरे के बकरों के जौहर जो हैं वो बनाए जाते हैं और इसमें जो है कुश्ता कली जो है वो कीकर वाला वो 2 तोला हम शामिल करते होते हैं। तो इसमें जो है कुश्ता फलाद और कुश्ता सदब जो है वो भी जो है वो 2-2 तोला हम इसमें शामिल करते होते हैं। तो इसमें जो है कुश्ता चांदी जो है वो भी 2 तोला ही शामिल होता है और ये इसका जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का जो है वो रिज़ल्ट होता है। और ये जो है फिलफौर जो है वाफर मकदार में मादा तौलीद की पैदाइश के साथ साथ जो है वैसे जिस्मानी जनरल कमज़ोरी को भी ये दूर करते हैं। दिल को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है, दिमाग को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है, आम जनरल जो जिस्मानी वीकनेस है वो भी कंप्लीट जो है वो ठीक हो जाती है। तो इसका जो है 500 mg का कैप्सूल, 500 से 1000 mg का कैप्सूल जो है वो हम बनाते हैं और इसको जो है मिज़ान मुदत जो है कोर्स की वो 1 माह तक होती है। और इसके साथ अगर इन्फेक्शन बढ़ा हुआ हो सुजा की याद सी साथ में इमदादी तौर पे वो अद्वियात होती हैं तो 1 महीने के अंदर जो है हर एक पेशेंट की जो है रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है। और ख़ास कर इसको जो है औलाद नरीना के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह की फजलो करम से हमारे पास रिकॉर्ड है कि उन्हें जो है अल्लाह ताला बेटे जैसी नेमत से नवाज देता है। और ये कोई गैर तजुर्बा शुदा नहीं बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा आजमूदा और मुजरब नुस्खा है जो हम कई अरसे से तैयार कर रहे हैं। यकीनी बात है कि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत है लेकिन ये है कि इसमें जो है हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती और पेशेंट का जो टाइम है वो भी ज़ाया नहीं होता और इसका जो है अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी के साथ रिज़ल्ट मिल जाता है। अभी हम इसको जो है खूब अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करके इसके जो है वो कैप्सूल बनाएंगे। इसके जो वीडियोज़ हैं वो पहले भी यहाँ पे मौजूद हैं पेज पे भी और आईडी पे भी तो उसको भी देखा जा सकता है। तो इसकी जो है वो खरलाई होगी 2 दिन तक और फिर इसके बाद इसको हम बना लेंगे। इजाज़त दीजिए हकीम अली फैसल जना वाला फैसलाबाद, अल्लाह हाफिज़। स्पेशल स्पर्म्स को बूस्टर में हमने जो है ये सारा मुरकबा जो है डाल लिया। इसमें जो है मुरकब हजरिया यानी कि अकीक यकूत और जमूर्द का भी ये ऊपर मुरकब डाल दिया। अब इसमें जो है हमने 1 डोला जो है 20 ग्राम सालब पंजा 20 ग्राम डालना है और सालब मिश्री जो है वो भी हम इसमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी की सालम मिश्री है जो ख़ास कर शुरू से ही मादा तुलीद की वाफर मकदार में पैदाइश के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हर एक पेशेंट को जो है अब रतूबत की कमी है, खुश्की वाले पेशेंट हैं, उन पेशेंट का जो है वो इलाज नहीं हो पाता तो यही सबसे बड़ी वजह है। तो अभी जो है हमने सालम मिश्री भी जो है वो 20 ग्राम कर ली है और इसमें जो है 10 ग्राम कलवंजी दाना, 10 ग्राम ये डालेंगे और इसमें 20 ग्राम ही ये मुसली सफ़ेद इंडिया डालेंगे। अब इससे अच्छे और क्या नुस्खा हो सकता है? हम तो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ इसी वजह से नहीं करते कि पेशेंट के साथ जो है ज़हनी तौर पे उनको मुतमिन करने के लिए और मेयार को क्वालिटी को ठीक रखने के लिए अच्छे अज़ा का जो है वो होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें जो है बीज बंद और लाजवंती का 10-10 ग्राम जो है वो इजाफ़ा करेंगे और इसमें जो है 10 ग्राम पखड़ा। दस ग्राम लाजवंती
तो ये जी हमारा मुरक्कब जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, और इसमें जो है तकरीबन ज़ाफ़रान जो है 2 से 2.5 ग्राम डालेंगे ताकि हरारत भी ज़रूरत मुताबिक जो है वो बरकरार रहे। तो ये जी हमारा स्पेशल जो है वो कोर्स है जिससे स्पर्म्स मोर्टेलिटी बेहतर होती है, मादात उलीद की पैदाइश होती है, जिनका वॉल्यूम कम होता है तो उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कोर्स है जो कि हम एक अरसे से तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे मुख्तसर सा कोर्स जो है वो पेशेंट को करवा दिया जाए तो अल्लाह के फजल व करम से इज़्ज़त भी रह जाती है और मरीज़ 100% ठीक भी हो जाते हैं। इसका मियार और क्वालिटी जो है जितनी ज़्यादा अच्छी रखी जाएगी मिट्टी से और इस तरह की चीज़ों से साफ पाक रखी जाएगी तो उसका रिज़ल्ट भी ऐसे ही रहेगा। इसलिए हम जो है रोज़ बरोज़ मेहनत करके तो इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बेशक एक रिपोर्ट पहले करवा लें और एक रिपोर्ट जो है कोर्स के बाद करवा लें, इंशाल्लाह ताला जो है वो दुआएं देंगे और रिज़ल्ट के अंदर भी जो है आपको किसी किस्म की मायूसी नहीं होगी। तो ये अल्लाह के फजल व करम से हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है और कभी भी इसमें जो है हमें नाकामी का सामना नहीं हुआ। तो ये जी हम इसको जो है अब अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्पर्म्स और मादा तुलीद की पैदाइश वाला जो नुस्खा है अब ये मुकम्मल हो गया है। हम जो है इसको जो है 500 मिलीग्राम कैप्सूल बना लेंगे। ये 60 कैप्सूल जो है वो हम जो है प्रॉपरली कोर्स के साथ ये देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो है एक प्रॉपरली कोर्स है जो ख़ासकर औलाद नरीना के लिए बेटे के लिए, और इसकी जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और इसमें जो है वक्त की कोई वो ज़्यादा नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। कब्ज़ कुशा के जो है वो साथ में इसलिए दी जाती है मैदे की सफाई हो जाए, और साथ में गनोरिया सुजाक के लिए इन्फेक्शन के लिए ये वाली दवाई जो है पहले इस्तेमाल की जाती है ताकि पस वगैरह इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। फिर जेनेसिस सफूफ मुगल्ले ज्वारदार स्पेशल तो ये साथ में दिया जाता है और साथ में सेमीवैक्स। तो ये 40 दिन का मुकम्मल कोर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पेशेंट जो है उसकी किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं मिलती और वो ठीक हो जाता है। इजाज़त दीजिए, हकीम अली फैसल, जनाब अली फैसलाबाद, अल्लाह हाफिज़।